संत को कैसे पहचाने? संत महात्मा और उनको पहचानने वाले बहुत ही दुर्लभ हैं। आज का दंभ, पाखंड और बनावटीपन इतना हो गया है कि असली संत महात्मा को पहचानना अत्यंत ही कठिन कार्य हो गया है। पर सच्चे जिज्ञासु को पता लगता है, भगवान कृपा करते हैं, तभी उनको पहचाना जा सकता है। अब उनकी पहचान क्या हो, हम उनकी पहचान नहीं कर सकते, हम तो अपनी पहचान कर सकते हैं। एक कहानी है, एक नवयुवक राजगद्दी पर बैठा। 5-7 वर्ष राज करने के बाद उसने अपने राज के बड़े बूढ़ों को इकट्ठा करके पूछा, आप लोग बताएं कि राज्य हमारा ठीक रहा या हमारे पिताजी का ठीक था अथवा हमारे दादाजी का ठीक था, किसका राज ठीक रहा? आपने हमारी तीनों पीढ़ियों का राज देखा है। बेचारे सब चुप रहे। एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा होकर कहने लगा कि हे महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, आप हमारे मालिक हैं, अब हम आपके बारे में निर्णय कैसे करें कि आप में कौन योग्य और कौन अयोग्य है, कितना बढ़िया और कितना घटिया है, ये हमारी क्षमता नहीं है। मेरी बात पूछें तो मैं अपनी बात कह सकता हूँ, पर आपकी परीक्षा नहीं कर सकता। राजा ने कहा, अच्छा, आप अपनी बात बताओ। वो कहने लगा, जब आपके दादाजी का राज था, उस समय मैं जवान था, मैं पढ़ा लिखा था, शरीर में बल भी अच्छा था, मैं एक लाठी पास में रखता था। उस समय यदि 5-10 आदमी एक साथ भी सामना करने के लिए आ जाते तो मैं हार नहीं खाता, बल्कि उन सबको मार दूं, ऐसा मेरा विश्वास था। एक दिन मैं किसी गांव जा रहा था, रास्ते में चलते मेरे कान में किसी स्त्री के रोने की आवाज आई, तो मैंने सोचा चलकर देखें क्या बात है। मैं आवाज़ की दिशा में गया तो देखा कि एक सुंदर युवती अकेले जंगल में बैठी रो रही है। उसने बहुत कीमती गहने कपड़े पहन रखे थे। मैं अचानक उसके पास पहुंचा तो वो डर गई और एकदम चुप हो गई। मैंने बड़े प्यार से कहा कि हे बहन, घबराओ मत, बताओ कि तुम क्यों रो रही हो। मेरे ऐसा कहने पर वो आश्वस्त हुई और बोली, मैं पीहर से ससुराल जा रही थी, साथ में 2-4 बैलगाड़ियाँ और ऊंट थे, रास्ते में डाकू मिल गए, उनसे मुठभेड़ हो गई, मेरे संबंधी और डाकू आपस में लड़ गए, मुझे डर लगा तो भागकर जंगल में चली आई और यहाँ आकर बैठ गई। अब उनका क्या हाल हुआ ये तो भगवान जाने, किंतु मैं किधर जाऊँ ये मुझे रास्ता मालूम नहीं। मेरा जन्म गांव तो दूर रह गया, लेकिन ससुराल गांव पास ही है, ऐसा अंदाज है, लेकिन मैं जानती नहीं क्या करूं। ये सोचकर रोना आ रहा है। इस तरह कहकर उसने मुझे अपने ससुराल का पता बताया। मैं उस गांव को जानता था, इसलिए मैंने उससे कहा, हे बहन, तुम चलो, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूछने पर उसने अपने स्वससुर का नाम कागज पर लिखकर बताया। मैं उसके स्वससुर को जानता था, इसलिए उसके ससुराल ले गया। रात हो चुकी थी, सब लोग तरह तरह की चिंता कर रहे थे। वे लोग बहुत दुखी थे, क्योंकि बहू के शरीर पर गहने आदि बहुत थे। बहू को सही सलामत पहुंची देखकर सबके मन में प्रसन्नता छा गई। उस स्त्री ने अपने घर वालों से कहा, इन सज्जन को मैं पिता कहूँ या भाई कहूँ, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से धीरज दिलाया और यहाँ तक पहुँचाया। उसके ससुर मुझे इनाम देने के लिए 500 रुपये लाए और लेने का आग्रह करने लगी। मैंने अपना कर्तव्य समझकर ये काम किया था कि कोई दुखी है तो उसका दुख दूर हो जाए, इसलिए मैंने रुपए नहीं लिए।
मैंने मन में सोचा कि अपने कर्तव्य पालन की बिक्री नहीं करूंगा। मेरे मन में रुपए न लेने से बड़ा संतोष रहा। मैं वापस चला आया। ये बात तो आपके दादाजी के समय की थी। इसके बाद आपके पिताजी का राज्य आया। उनके राज्य काल में 5-7 वर्ष बीतने पर एक बार मेरे व्यापार में बड़ा घाटा लगा। धन की तंगी हुई तो मेरे मन में बात आने लगी कि उस समय इतना अच्छा अवसर मिला था। 10-15 हजार का तो गहना ही था। अकेली स्त्री थी, एक थप्पड़ मारता तो सारा गहना जेवर मिल जाता। आज ये दुख नहीं भोगना पड़ता। उस समय बड़ी भूल हो गई। अब पछताने से क्या, जब वो इनाम देने लगे तब भी नहीं लिया। बड़ाई का भूखा आज तंगी भोगता हूँ। इस प्रकार के भाव मन में आए थे। हे महाराज, आप तो अवस्था में मेरे पोते के समान हैं। आपके सामने कहने में लज्जा आती है। अब तो मन में ऐसे भाव आ रहे हैं कि उस समय स्त्री को समझा बुझा कर या धमका कर अपनी स्त्री बना लेता तो आज मेरी सेवा करती और धन भी मिल जाता। परंतु अब तो ये हाथ से निकल गई, पछताने से क्या लाभ हो। इस तरह हे महाराज, हम तो अपने मन के विचार बता सकते हैं। आप राजाओं का निर्णय कौन करे? आपका निर्णय करने की ताकत हम में कहाँ। राजा समझ गया कि बुढ़ा बड़ा बुद्धिमान है। यथा राजा तथा प्रजा, ये बात भी कह दी और हमें रुष्ट भी नहीं किया। इस तरह संतों की पहचान हम नहीं कर सकते कि ये कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। किंतु उनके पास जाने से हमारे मन में मच रही हलचल शांत होती है। बिना पूछे शंकाओं का समाधान हो, मन में संतोष होता है। अपने में दैवी संपदा के गुण आते हों, अर्थात दया क्षमा उदारता त्याग संतोष नीति धर्म आदि की वृद्धि होती है। दुर्गुण दुराचार देखने लगे तो घटने लगेंगे। जिन महापुरुषों के संग अथवा दर्शनों से ऐसी विलक्षणताएं आती हों तो हम आज अंदाज लगा सकते हैं। इसके अलावा हम गरीब हों अथवा धनी हों, जिनके मन में हमारी कोई गरज नहीं दिखती। हम धनी हैं तो कुछ ज़्यादा आदर करें और गरीब हैं तो निरादर करें। हम में से कुछ स्वार्थ सिद्ध करना चाहें, ऐसा हमें कभी लगता ही नहीं। हम उनसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग आदि की बातें पूछते हैं तो वह उनसे भी आगे की बातें बता देते हैं। हमारी दृष्टि में सगुण निर्गुण साकार निराकार के तत्व को जानने वाला उनसे बढ़कर कोई दिखता नहीं। ऐसे महापुरुषों का संग मिल जाए तो बड़ा लाभ होता है।